एक बच्चे को अलग से पीटना यह बताता है कि इस सरकार में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। यह वादा तेजस्वी यादव ने खुद किया था कि वह पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का सिग्नेचर करेंगे। 10 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, लाठियां जरूर मिल रही हैं। 18 सालों से लगातार शिक्षा विभाग जदयू के पास है और जिस तरह से शिक्षा का ह्रास बिहार में देखने को मिला है वह बताता है कि नीतीश कुमार के सही में काम करने का क्या तरीका है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों पर कल हुए लाठी चार्ज के बाद नीतीश सरकार कटघरे में है और सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए 10 लाख रोजगार को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को घेरने में लगी हुई है और इसके साथ ही नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि मैंने 2 महीने पहले ही सरकार में रहते हुए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के क्या हालात बिहार में हैं इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उस दौरान मुझे क्या कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अब जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर नौकरी के बजाय ताबड़तोड़ जो लाठियां हैं वो तोड़ी जा रही है। निश्चित तौर पर जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट है, ये तमाम आरोप मौजूदा सरकार के ऊपर संजय जायसवाल ने लगाया है। सुनिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। एक बच्चे को अलग से पीटना यह बताता है कि इस सरकार में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। यह वादा तेजस्वी यादव ने खुद किया था कि वह पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का सिग्नेचर करेंगे। 10 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, लाठियां जरूर मिल रही हैं। मैं आज से 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि शिक्षा का यहां पे बहुत बुरा हाल है और उस समय सभी जदयू के नेताओं ने विरोध किया था और दाहिने बाएं करने का काम किया था। लेकिन आज जो स्थितियां हैं मैं पुनः उसी को दोहराता हूं, अब जानबूझ के ये किसी का बहाना खोजेंगे। कल खुद वो राज्यपाल के साथ बैठ करके वाइस चांसलर तय करा रहे थे, फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं इस पर महामहिम दोषी हैं, ये दोषी है। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल से लेकर केरल तक विरोधी दल की सरकारें हैं, कहीं भी सेशन लेट नहीं होता और यहाँ पे अपने साथ की सरकार है। 18 सालों से लगातार शिक्षा विभाग जदयू के पास है और जिस तरह से शिक्षा का ह्रास बिहार में देखने को मिला है वह बताता है कि नीतीश कुमार के सही में काम करने का क्या तरीका है। हमारे जो विभाग हैं, चाहे वह शिक्षा, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह सड़क हो, इसी के भरोसे नीतीश कुमार आज मैं लगातार इन प्रश्नों को उठा रहा था और इसीलिए नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लग रहा था। अब वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, अब उनका कोई सहयोगी कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं करेगा। अगर 4 जगह इस तरह की घटनाएं होंगी तो उनके साथी दल के लोग जो है वह 10 जगह और घटना करेंगे और नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है। जहां सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेर रही है, वहीं नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि पिछले 18 साल से बिहार में जो शिक्षा विभाग है वो जेडीयू के विधायकों के पास था, जेडीयू कोटे के ही मंत्री शिक्षा मंत्री बन रहे थे और जो स्थिति इस वक्त शिक्षा की है वो जग जाहिर है, बद से बदतर स्थिति पूरे शिक्षा की बिहार में है। ऐसे में नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। वहीं तेजस्वी यादव पर सवाल करते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि 10 लाख रोजगार की बात करने वाले लोग पहली कैबिनेट में जेड प्लस सिक्योरिटी लेते हैं तो वहीं दूसरी कलम से लाठी चार्ज करवाते हैं। देखने वाली बात होगी कि संजय जायसवाल के इस बड़े हमले के बाद महागठबंधन के तमाम घटक दल के जो प्रवक्ता और नेता हैं किस तरीके से उनके इस बयान का जवाब देते हैं।